दूसरा का पाठ दूसरा भूमिका की कहानी के बारे में बात कर रहे थे। आज हम जहाँ से रुके थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो कल एक अंतिम वाक्य मैंने कहा था कि लड़कों का बूढ़े में स्वाभाविक द्वेष होता है। द्वेष शब्द का अर्थ होता है विरोध। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी हुई होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर रखने का प्रयास करते हैं। जबरन बच्चों से अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसीलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक द्वेष होता है। तो ये भी बूढ़े और बच्चों के बीच द्वेष की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब माता पिता का बच्चे ये रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया जाता है। मतलब बुद्धिराम के बच्चे अपने माता पिता का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति उपेक्षित देखते हैं तो बच्चों को भी बूढ़ी काकी को परेशान करने का मजा आ जाता है। कोई चुटकी काटकर भागता है, कोई उन पर पानी की पूरी कर देता है, काकी चीख मार मार कर होने लगती है। परंतु ये बात प्रसिद्ध है कि जब बूढ़ी काकी को भूख लगती है तो खाने के लिए रोने लगती है। अतएव इसीलिए उनके संताप और आत्मनाद पर कोई ध्यान यही माना जाता था कि जब बूढ़ी काकी रोती है तो उसे खाना चाहिए। पर किसी को यह पता नहीं था कि बूढ़ी काकी को बच्चे सताते हैं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, अनुराग शब्द का अर्थ होता है स्नेह। परिवार में एक सदस्य ऐसा था जो काकी से स्नेह करते थे। वह बूढ़ीराम की छोटी लड़की लाडली थी। बूढ़ीराम की छोटी लड़की लाडली बूढ़ी काकी को स्नेह करती है। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चलेना काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षाकार था। यहाँ रक्षाकार का मतलब है सुरक्षित स्थान। तो जब कोई अपने हिस्से की चीज मिठाई आदि खाने के लिए लाडली को मिलती है तो अपने भाइयों से बचने के लिए काकी के पास चले जाते हैं। वहाँ सुरक्षा महसूस करती है। और यदि भी काकी भी शरण उनकी गरुड़ता के कारण नहीं, काकी शरण को देती है तो काकी के मुंह में गरुड़ता का मतलब होता है लोभ। मतलब अपने हिस्से की कुछ चीजें काकी को भी लाडली को देनी पड़ती है। तथापि भाइयों के अन्याय को अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। स्वार्थानुकूलता स्वार्थ के अनुकूल, दोनों का स्वार्थ सुचित होता था।
और एक शब्द है आरोप, मतलब स्थापित करना। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसा स्वाद कर रहा था। विस्मयपूर्ण मतलब आश्चर्य और रसा स्वाद आनंद लेना। तो गाना बजाना हो रहा है, वहां तो उत्सव है, क्या उत्सव? देखें, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। सुखराम के तिलक का प्रश्न है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यवस्था थी। यहाँ प्रबंध शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था। बच्चियों पर कड़ा चढ़े थे, कड़ा कड़ा बर्तन जिसमें रस्सी बनाई जाती है। एक में पुड़िया कचौड़ियां निकाल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही है। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी लड़की अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, ये सुगंध में व्यंजन कर रही थी। यहाँ बैठे सत्यकाल है व्याकुल, वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, ये सोचकर उन्हें रोना आ गया, परंतु अपशकन की वजह से वे रो न सके। यहाँ अपशकन, अपशकन मतलब बुरा शब्द। बूढ़ी काकी के भूख लगती है, खाना समय पर नहीं मिलता है, खाना कम मिलता है, तो जोर जोर से रो लगती है। पर आज घर में मेहमान है, आज रोना शुक्र होगा, इसलिए रोना चाहती है पर रोती नहीं है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही है, खूब लाल लाल खुली खुली नरम नरम होगी, कचौड़ियों में और इलायची की महक आ रही है। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों ना जबकर कड़ा के सामने बैठी। इस प्रकार धीरे करके बूढ़ी काकी ऊपर बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ गई। यहाँ एक शब्द है कुकुर, का अर्थ होता है घुटनों को मोड़ कर बैठना। आप कमजोर हैं, सीधे अपने पैरों पर चल नहीं पाती हैं, रेंगती हुई कड़ा के पास पहुंच जाती हैं। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना मुख्य पुत्र को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। कोई भोजन कर रहा है, सामने कोई कुत्ता बैठा है, कुत्ते को अभी तक भोजन नहीं मिला, पर कुत्ते को ये यकीन है, विश्वास भरोसा है कि भोजन खत्म होने पर जो कुछ बचेगा मुझे जरूर मिलेगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं धैर्य के धारण करता। ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी कड़ा के सामने आ गई, भोजन तो मिलेगा यही आश्वासन पाकर धीरज से बूढ़ी काकी भोजन मिलने का इंतजार करने लगी। तो बूढ़ी काकी को अभी तक भोजन मिला नहीं है, क्योंकि भोजन पक रहा है, भोजन जब पक जाएगा तो मेहमानों को भी मिलेगा, बूढ़ी काकी को भी मिलेगा और बूढ़ी काकी की भूख शांत भी होगी। पर क्या होगा देखने के लिए हमें दोबारा मिलना